से जो कलयुग है इसका ग्लैमर बहुत ही ग्लॉसी, बड़ा फ्लैशी, अट्रैक्ट करने वाला, एल्योर करने वाला, ढिंचा के एकदम हमारा कलयुग, लेकिन उसके पीछे अंधकार भी है। तो बच्चों को कलयुग में कलयुग के ग्लैमर से बचा के रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कलयुग ग्लैमर में क्या क्या आता है? कलयुग ग्लैमर सबसे पहला जो ग्लैमर है कलयुग का वो है टेलीविजन। जब बच्चे टेलीविजन से एडिक्ट हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, बिकॉज दैट्स द नेचर। और ये टेलीविजन इतना पावरफुल मीडिया है कि जो हमारे देश में ब्रिटिश राज 200 साल नहीं कर पाया, मुगल राज 500 साल में नहीं कर पाया, लेकिन टेलीविजन ने 20 साल के अंदर अंदर कर दिया, हमारे कल्चर की कमर तोड़ दी इसने, 20 साल के अंदर अंदर तोड़ दिया इसने टेलीविजन। फिर उसका बड़ा भाई आ गया, कहते अरे भैया आपने 20 साल लगा दिए मेरे छोटे भाई, हम देखो 5 साल में करके दिखाएंगे। इंटरनेट ने जो काम टेलीविजन ने 20 साल में किया, इंटरनेट ने 5 साल में कर दिया। फिर सबसे बड़े भैया आए, सबसे बड़े भैया ये, मैंने कहा क्या छोटो तुम लोग में क्या बहुत टाइम लगा रहे हो यार संस्कृति को खराब करने में, कोई 20 साल ले रहा है, कोई 5 साल ले रहा है, मैं तो 1 साल में तोड़ दूंगा इन लोगों को देख। तो इस तरह से तीनों भाइयों ने अमर अकबर एंथनी, यानी कि टेलीविजन, इंटरनेट और स्मार्टफोन, इन्होंने मिलकर के हमारी संस्कृति की बैंड बजा के रख दी। पहले लोग शाम को इकट्ठा होते थे काम के बाद, और शाम को इकट्ठा होकर के हरि कथा सुनते थे, हरि नाम सुनते थे, लेकिन अब कोई इकट्ठा नहीं होता। सो दैट वे से जो कलयुग का जो ग्लैमर है इट इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी एल्योरिंग, वेरी एडिक्टिंग। जब मैं मेट्रो में सफर करता हूं तो अक्सर मैं लोगों को देखता हूं, लोग स्मार्टफोन पे हैं, कोई एक व्यक्ति किताब नहीं पढ़ रहा होता ढंग की। रीडिंग इज नाउ आउट ऑफ प्लेस, सब किस पे होते हैं? फेसबुक पे। एक समय था सबके फेस के आगे बुक हुआ करती थी, बट नाउ दोज डेज आर गॉन, नो मोर बुक बिफोर द फेस, नाउ देयर इज ओनली फेसबुक। एडिक्शन है और सब कोई अंत नहीं, आप स्क्रॉल करते रहो फेसबुक को भी नहीं कहता बस मेरी गहराई इतनी थी सर अब बस खत्म, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो इसीलिए ये जो एडिक्शन है टुवर्ड्स विच इसको बोले ई एडिक्शन, बहुत ही गहरी है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शन नाउडेज इज ई एडिक्शन। और होता क्या है कि जितने ज्यादा बच्चे इससे एडिक्ट होते चले जाते हैं उनकी थिंकिंग एबनॉर्मल होती चली जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल गेम्स खेलना, बच्चे इस पर गेम्स खेलते हैं, पहले बच्चे गेम्स बाहर खेला करते थे, हम लोग बाहर खो खो खेलते थे, चेन चेन खेलते थे, स्टापू खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, हम लोग खेलते थे, लेकिन आज बच्चे बाहर खेलते नजर नहीं आते। आपने देखा क्या बच्चों को बाहर स्टापू खेलते हुए, चेन चेन खेलते हुए? ना, और वो इस पे खेल रहे हैं ना, इस पे खेल रहे हैं वो, क्रिकेट इस पे खेलते हैं, पबजी इस पे खेलते हैं वो। जब इस पे खेलेंगे तो बाहर कहाँ खेलेंगे बच्चे, बाहर खेलते बच्चे नजर ही नहीं आते। लेकिन होता है क्या, जब मैं इस पे खेल रहा होता हूं इट मेक्स माई थिंकिंग एबनॉर्मल। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे टाइम में गेम आया करती थी नीड फॉर स्पीड, जब हम कॉलेज में थे सन 2000 में, तो नीड फॉर स्पीड नाम की गेम आती थी, मतलब कार रेसिंग की गेम थी वो। बटन दबाओ गाड़ी राइट, बटन दबाया लेफ्ट, बटन दबाया राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स। तो बच्चा जब इस तरह से क्विक रिस्पॉन्सेज की आदत पड़ जाती है उसके ब्रेन को, तो बच्चा जब माँ को बोलता है माँ माँ मुझे प्यास लगी है माँ, अब माँ नीड फॉर स्पीड नहीं है कि जरूर देने जाएगी और जरूर देना, ऐसा नहीं है। माँ थोड़ी भारी सी है, गोलू गोलू है बेचारी, उठती है हौले हौले, उठती है फिर चलती है, जाती किचन में ग्लास निकालती है, फिल्टर के नीचे लगाती है, टर टर पानी बहता है, पानी 10% भरता है, 20% भरता है, हौले हौले हौले। इतने में बच्चे का बुद्धि खराब हो जाती है, बच्चा कहता है माँ जब मैं प्यास से मर जाऊंगा तो पानी लेके आओगे आप? तो माँ कहती है पुत्र ला तो रही हूं, क्या हो गया, What's wrong with you? क्या हो गया? Can you see this abnormal behavior? ये abnormal behavior बच्चों में आता है when they are with the gadgets. कई माता पिता क्या करते हैं बच्चों को इसके gadgets दे देते हैं, कहते हैं अच्छा है स्यापा मुका, ये लगा रहेगा हम भी चैन की सांस ले पाएंगे, अच्छा है जा खेल मर जा। तो इस प्रकार का एटीट्यूड के कारण क्या करते हैं माता पिता बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं कि अच्छा है लगा रहेगा, यू विल हैव सम ब्रीदिंग स्पेस, क्योंकि आजकल जॉब्स इतनी डिमांडिंग है कि उसके बाद बच्चे के लिए टाइम निकाले भाई, खुद के लिए टाइम कब निकालेंगे? तो पकड़ा दो इसको, ले तो पकड़ फड़ एनू ते दफाओ। तो बच्चों को इस तरह से माता पिता किनारे कर देते हैं, लेकिन इन गैजेट्स के साथ रहते 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 बच्चे क्या होते हैं इनसेंसिटिव हो जाते हैं। क्यों?
गैजेट्स पे सेंसिटिविटी है नहीं है? कौन मानता है कि है, कौन मानता है कि नहीं है? बहुत कठिन सवाल है हालांकि, पर लेकिन आप लोगों ने जवाब दे दिया है, इसमें सेंसिटिविटी नहीं है। जब मैं एक ऐसी चीज के साथ संग करता रहता हूं बार 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 बार, तो मैं सेंसिटिव होऊंगा इनसेंसिटिव हो जाऊंगा? इनसेंसिटिव। इसीलिए आजकल के बच्चे जो है दे आर इनसेंसिटिव। इसे कई पेरेंट्स बोलते हैं, देखो जी हमारा भी समय था, हम लोग कितने सेंसिटिव थे, आजकल के बच्चों को देखिए इनमें सेंसिटिविटी है ही नहीं। चोपड़ा साहब सही बोल रहे हैं, कुमार साहब सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर हमारे टाइम में हम लोग कितने सेंसिटिव थे, इन बच्चों को देखिए रत्ती भर सेंसिटिविटी नहीं है इनमें। तो भाई साहब आपने इनको प्रोग्राम किया है टू बी इनसेंसिटिव, आपने इन्वेस्ट किया इनके अंदर, इनकी इनसेंसिटिविटी के अंदर, इसीलिए बच्चे आज सेंसिटिव नहीं है। इनमें भावनाएं नहीं है, इनमें इमोशंस नहीं है, इनमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, इनमें थैंक यू कहना है ही नहीं, इनमें कृतज्ञता है ही नहीं, इसीलिए नहीं है। रीजन बीइंग दे आर एसोसिएटिंग विद समथिंग व्हिच इज हैविंग नो सेंसिटिविटी, इसलिए बच्चों में सेंसिटिविटी नहीं है। आज ये ड्राइंग अपने आप में लॉस्ट है, और अगर आप इनको अपना सेक्रीफाइस काउंट कराओगे तो कहेंगे तो आपने कौन सा एहसान किया है, सब पालते हैं बच्चों को, कुत्ते बिल्ली भी तो पाल रहे हैं, उन्होंने पैदा किया था, मैंने कहा था मेरे को पैदा करो, आपने किया पैदा किया, नो प्लीज टेक क्या है। सो नाउ दिस इज इनसेंसिटिव बिहेवियर, इनसेंसिटिव बिहेवियर। लेकिन आता कब है, जब हम गैजेट्स का संग करते हैं। गैजेट्स का संग करके होता क्या है, बच्चों की जो इनोसेंस है वो खत्म हो जाती है। अब फास्ट स्पीड इंटरनेट है, किसी कंपनी ने आपको फ्री का दिया हुआ है, अब अगले 6 महीने फ्री, हम लोग जियो तुम लोग मरो, ठीक है जी, वेरी गुड। अब बच्चा जो है अब इस पे इंटरनेट पे वो सब चीजें देख लेता है जो कि उस उम्र में हमें नहीं देखनी चाहिए, उसके बाद जाके वो भली डिलीट हिस्ट्री कर देगा ताकि माता पिता को पता ना चले कि मैंने क्या क्या देखा है। लेकिन कंप्यूटर के वेब ब्राउजर में आप डिलीट हिस्ट्री कर सकते हैं, लेकिन मन में जो हिस्ट्री बन जाती है, यहां डिलीट हिस्ट्री है कहीं बटन है, यहां कहीं डिलीट हिस्ट्री का बटन, यहां डिलीट हिस्ट्री का बटन नहीं है, डिलीट कुकीज का बटन नहीं है, लेकिन इसमें है, वेब ब्राउजर में होता है। अच्छा है, किसी को शक नहीं होगा मैं कहां कहां गया था, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, लेकिन इससे आपके संस्कार जो बन गए वो कहां जाएंगे? तो माता पिता शाम को आते हैं 6-7 बजे ऑफिस से आते हैं, लेकिन बच्चा तो दोपहर को आ जाता है 1:30 बजे 2 बजे, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक उसके पास आजादी है, एक अनकंट्रोल्ड माइंड है और एक पावरफुल इंटरनेट पैकेज है फोकट का, मरो। तो इसीलिए बच्चा वो सब देख लेता है इंटरनेट पे जो कि उस उम्र में उसको नहीं देखना चाहिए, कि वैसे तो किसी उम्र में नहीं देखना चाहिए, ऐसे नहीं आगे जाके देख सकते हैं, पर उस उम्र में देखने के बाद होता क्या, उसकी मासूमियत, उसकी इनोसेंस वो चली जाती है। कभी कभी आपने सुना होगा ना, कई पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि ना आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, हम लोग इतने स्मार्ट नहीं थे, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है, और इसको बड़ा पॉजिटिवली बताते हैं वो कि ना आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट है, लेकिन असल में स्मार्टनेस नहीं है ये, इट इज दी अर्ली डेथ ऑफ देयर इनोसेंस, ये उनकी मासूमियत की जल्दी हो जाने वाली मृत्यु है और कुछ नहीं। बच्चे मासूम होते हैं, प्यारे लगते हैं, लेकिन जितने स्मार्ट होते जाते हैं उतने अजीब दिखते हैं एक्चुअली वो, जिसको हम अच्छा मानते हैं, ओ स्मार्ट चिल्ड्रन, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट चिल्ड्रन। तो जितना ज्यादा इस तरह से ये एक्सपोजर रहता है, देन दे बिकम एबनॉर्मल। साथ ही उनका IQ, their thinking capacity, that becomes lesser and lesser in due course of time. क्यों? जैसे कि ना पहले लोगों के पास कैलकुलेटर भी नहीं हुआ करते थे, तो लोग कैलकुलेशन कर लिया करते थे, कहते इतना इतना लाख इतना कर देंगे, इतना जमा, ये वो, देखिए यार ये पड़ेगा मोटा मोटा 43,75,000 रुपए का पड़ जाएगा, देख मोटा मोटा इतना लोग कर लिया करते थे। आज लोग नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, उस पर चीजें लिखी जाती थी, और फिर बच्चे जो बैठे हुए क्लास के अंदर वो यहां सोचते थे, मतलब कि यहां जोर पड़ता था, यहां से ब्लैक बोर्ड है और जोर यहां पड़ रहा है, तो इसलिए उनका ब्रेन शार्प रहता था। लेकिन अब तो हमारे पास स्मार्ट क्लासेस आ गई, ग्राफिक्स हो गए सब कुछ, तो अगर ग्राफिक्स यहां हो जाएंगे तो यहां के ऊपर क्या रहेगा फिर? कुछ भी नहीं। तो धीरे धीरे करके इवन देयर थिंकिंग कैपेबिलिटी बिकम्स लेसर एंड लेसर एंड लेसर एंड लेसर। ये टेक्नोलॉजी इतनी खराब है, नो डाउट टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज भी है,
लेकिन बच्चों को आप जितना टेक्नोलॉजी से एक्सपोज करेंगे और जितना प्रकृति से दूर लेकर के जाएंगे उतने बच्चे एबनॉर्मल हो जाएंगे। एक समय एक बच्चे से पूछा स्कूल में, बेटा दूध कहां से आता है? कहता है टोकन डाल करके मदर डेयरी से आता है। वो ये नहीं बोला गाय से आता है, कहता है मदर डेयरी से ना, और टोकन डाल करके दूध आता है। इसको यही पता है गाय, तेरी गाय माता कौन है? कहता है मदर डेयरी, जहां गाय का नामो निशान नहीं है। बच्चे ऐसे हो जाते हैं। कई एग्जाम्पल्स एनालॉजीज आप बच्चे नहीं समझ पाते, रीजन बीइंग दे आर अवे फ्रॉम नेचर। तो इसीलिए बच्चों को इस ग्लैमर से बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों को ग्लैमर से पता है कौन बचाएगा? जो खुद ग्लैमर के बाहर होगा। अगर माता पिता खुद ही ग्लैमर में डूबे हुए हैं, उनके खुद के पास टैब है, माँ के पास, पिताजी के पास, और वो उस पर उंगली फेरते हैं, उस पर पबजी खुद खेलते हैं, उसके ऊपर कैंडी क्रश खुद खेलते हैं उसके ऊपर, बच्चे बोले ए तू पढ़ मैं खेलूंगी, तो बच्चा बोलेगा माँ लेकिन तू मैं भी तो खेलना बनता है। तो किस हक से माँ बोलेगी तू मत खेल? वो खुद ही एडिक्टेड है। तो पहले बहुत पहले ना एक अमर प्रेम का एक मूवी का एक सॉन्ग था, चिंगारी को भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए? बच्चा बिगड़ रहा हो तो माता पिता उसे संभाले, माता पिता खुद ही बेड़ा कर करें तो उसे कौन बचाए? तो माता पिता खुद ही उसको उसकी लुटिया डुबोते हैं, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर एडिक्टेड टू दिस, दैट्स व्हाई। इसीलिए माता पिता अगर चाहते हैं कि बच्चे इस ई एडिक्शन से बचें और अपने करियर के ऊपर फोकस करें, दे हैव टू हैव द सैक्रिफाइस। पेरेंटिंग इज द लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। मेरे पीछे बोलिए प्लीज, पेरेंटिंग इज द लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। इफ यू आर रेडी फॉर सैक्रिफाइस बी अ पेरेंट, अदरवाइज डोंट बिकम अ पेरेंट। माता पिता बने हैं तो त्याग के जीवन के लिए तैयार रहिए। बिना त्याग के जीवन के कोई अच्छा माता पिता नहीं बन पाता, इम्पॉसिबल है ये वास्तव में।